बपनम द्रविणादानम अस्थानम निर्याणम तथा एस ही ब्रह्म बंधुर्नाम बधो नानो स्थितैका। ब्राह्मण की चोटी काट देना ये उसके लिए प्राण दंड है। कंजूस के पैकेट से 5 रुपया निकाल लेना ये उसके लिए प्राण दंड है। 3 दिन रोटी नहीं खाएगा, मेरी 5 की नोट चली गई। सम्मानित व्यक्ति का सभा के मध्य में अनादर कर देना ये उसके लिए प्राण दंड है। अर्जुन ने तक्षर अश्वत्थामा की चोटी काट ली, धक्का देकर के छोड़ दिया। पर ध्यान दें, सांप को पहले छेड़ो नहीं, यदि छेड़ दिया तो छोड़ो नहीं, नहीं उसमें बदले की भावना होती। अर्जुन ने छोड़ तो दिया पर इसके मन में बदले की भावना जागृत हो गई। इसने विचार किया कि मैं अब पांडवों को समूल नष्ट करूंगा। ध्यान से सोचा कहां कौन है, तो सिर्फ एक ही पांडवों का बीज था जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा था, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा दौड़ती दौड़ती अपने सासू मां के पास में गई, द्रौपदी के पास में गई। तब द्रौपदी ने रास्ता बताया, कहां भटक गई। इस संसार में एकमात्र परमात्मा है जो हमारी रक्षा कर सकता है। रक्षस तीत विश्वासो शरणागति का एक अंग है। एकमात्र परमात्मा है जो हमारी रक्षा कर सकता है। बाकी संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, कोई सामर्थ्य नहीं कर सकता। जिनको हम रक्षा करने के लिए नियुक्त करते हैं वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान ड्यूटी ठीक से गुजर जाए। और उत्तरा ने भगवान श्याम सुंदर की बड़ी अद्भुत प्रार्थना की। पाही पाही महायो देव देव जगतपते, हे राज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। आए हम सभी दीन दुखी हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करें अपनी रक्षा के लिए उत्तरा के साथ। राम राघव राम राघव राम राघव Krishna।
उत्तरा की प्रार्थना से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान श्री हरि ने परीक्षित की रक्षा की। इसलिए भगवान का एक नाम विष्णु सहस्त्र नाम में उत्तरायण पड़ गया। भगवान को सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन से कोई लेना देना नहीं है। उत्तरा के गर्भ में एक क्षण के लिए परमात्मा भगवान श्री हरि ने अपना अयन बनाया, इसलिए उनका नाम उत्तरायण पड़ गया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। इधर भगवान हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर जी राजा बन गए, भगवान चलने के लिए तैयार हुए, उसी क्रम में बुआ जी सामने आ गई और बुआ जी ने कहा, नाथ मैंने सुना है तुम जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो तो मुझे कुछ देते जाओ। भगवान ने कहा, बुआ जी अब कुछ पाना शेष है, तुम्हारे बच्चे हस्तिनापुर के सम्राट हो गए, राजमाता के पद पर आप अभिषिक्त हो गई हैं, अब क्या चाहिए। कुंती ने कहा, नाथ मुझे वो चाहिए जिससे आप पास में रहते। जब हमारे जीवन में दुख था, विशाल महाग्ना पुरुषार्थ दर्शना, जब हमारे जीवन में दुख के पहाड़ टूट टूट के गिर रहे थे, तब आप में हमारे साथ थे। अब हमारे जीवन में सुख आ गया तो आप जा रहे हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। जिस दिल में तेरी याद रहे, वे नाथ मेरा वो दिल कर दे, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दे। सुख के माते सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। हे नाथ आप मुझे वो प्रदान करो जिससे आपकी अस्मृति बनी हुई। सबसे बड़ी जीव की विपत्ति है भगवान को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को याद करना। विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण अस्मृति। एक बार प्रयाग के कुंभ में बड़े बड़े महापुरुष इकट्ठा हुए, और उस क्रम में चर्चा हुई कि जीव परमात्मा को कितने क्षण याद कर ले तो जीव का कल्याण हो जाए। महापुरुषों ने कहा कि एक गाय गुजरात वाली जिसके सिंह सीधे सीधे, उस गाय के सिंह के ऊपर स्निग्ध पदार्थ लगा दो, तेल लगा दो, घी लगा दो, और उस सिंह के ऊपर राई का दाना, सरसों, सरसों के दाने को सिंह के ऊपर टिकाओ। एक तो गाय, दूसरा सीधा सिंह, तीसरा घी लगा हुआ। जितनी देर तक वो सरसों का दाना टिक जाए, उतनी देर तक भी जीव यदि परमात्मा का स्मरण कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। सारे गदगद हो गए। इतने पर एक महापुरुष खड़े हो गए, बोले ये बात तो सत्य है, परंतु आगे की बात भी सुनो। इतनी देर ही जीव यदि भगवान को भूल जाता है तो उसके पतन में देर नहीं लगती। इसका मतलब भगवान का जो सुमिरन है वो अहरनिश होना चाहिए। श्वास श्वास प्रतिनाम रट, व्यथा श्वास मत खो, ना जाने
इस श्वास का आवन होए न हो। प्रतिक्षण प्रतिक्षण रामम बद को विश्वास, क्या भरोसा है कि श्वास दोबारा आएगी या नहीं आएगी। भगवत स्मरण अहर्निश बना रहे, ये संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, पर वो स्मरण हमेशा विपत्ति के समय दृढ़ता के साथ होता है। इसलिए भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, जो महद अनुग्रह लक्षण जो शास्त्र में निरूपण किए गए बड़े विलक्षण है, देश त्यागो, जिस पर कृपा करते हैं उसका घरवार परिवार सब छुड़वा देते हैं। देश त्यागो महान व्याधि, कोई ना कोई रोग शरीर में लग जाएगा, विरोधो बंधु भी सह धनहानि अपमानम चा महद अनुग्रह लक्षणम। भगवान ने बुआ जी के ऊपर कृपा करी, इधर भगवान जैसे चलने लगे तो भगवान को याद आ गई किसकी, भीष्म पितामह की। भगवान ने भीष्म पितामह से वादा किया था कि आपको अंतिम क्षण में दर्शन देने के लिए मैं आऊंगा, परंतु जब वादा किया था वो जो कथा है वो गोपनीय है, वो उजागर ना हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए, इसलिए भगवान सोचते हैं यदि मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो लोग कारण पूछेंगे, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, और वो कारण किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो किसी को माध्यम बनाए, क्या कारण है आप सभी जानते हैं। महाभारत के दूसरे तीसरे दिन युद्ध के क्रम में जब पांडवों की बहुत सी सेना मारी गई, तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा था कि आपके रहते हुए इतना बड़ा नुकसान हो गया, आप खड़े हुए, इसका मतलब आप खड़े तो यहां हैं, मन आपका पांडवों की तरफ है। भीष्म पितामह ने वही प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन ऐसी बात नहीं है, तू ऐसा कहता है तो कल मैं एक पांडवों से द्रौपदी को विहीन कर दूंगा, परंतु तू ध्यान रखना यदि पांडवों का एक बाल भी नीचे गिरेगा तो संसार में भूचाल आ जाएगा, इसलिए तू ध्यान रखना, अपने बचने की व्यवस्था कर लेना। दुर्योधन घबरा गया, पितामह आपके सिवा मेरा कौन है, आप ही कोई रास्ता बता दो, कृपा कर दो। भीष्म पितामह ने कहा तो ऐसा करना कि जब मैं पूजा करके उठूं, दिन में युद्ध होता था, शाम को पूजा में बैठते थे, तो जब शाम को जब मैं पूजा करके उठूं उस समय अपनी धर्म पत्नी को प्रणाम करने के लिए भेज देना, और मैं उसको अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दे दूंगा जिससे तू सुरक्षित हो जाए। योजना बन गई, शाम का समय हुआ, दुर्योधन की पत्नी तैयार होने लगी, खड़े छड़े पहनने लगी, इतने पर भगवान श्याम सुंदर पहुंचे और भगवान ने कहा, कहां जा रही हो। अब भगवान से कौन झूठ बोले, उसने सारी बात बता दी। भगवान ने कहा जा तो रही हो, रात में जा रही हो, और कहीं भीम मिल गया तो, याद है ना तेरे देवर ने और तेरे पति ने पांडवों की पत्नी के साथ में जो किया था, याद है ना, और कहीं रास्ते में भीम मिल गया तो द्रौपदी की रक्षा तो मैंने कर ली थी, तुम्हारी रक्षा कौन करे। ऐसा डराया महाराज, वो कड़े छड़े उतार के खराटे मारकर सो गई। इधर भगवान श्याम सुंदर ने द्रौपदी से कहा चलो। द्रौपदी ने एक बार नहीं पूछा कहां जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कैसे जाना है,
क्योंकि जहां पर विश्वास होता है वहां क्यों नहीं होता, जहां पर विश्वास होता है वहां क्यों नहीं होता, और जहां क्यों होता है वहां पर विश्वास नहीं होता। गुरु ने शिष्य से कहा चलो, शिष्य ने पूछा कहां जाना है, क्यों जाना है, इसका मतलब गुरुदेव के वचनों पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। द्रौपदी समर्पित, भगवान ने कहा चलो, चल पड़ी। समर्पण यही सिखाता है। हम लोग कहते तो रहते हैं जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, पर हमारे समर्पण में और द्रौपदी के समर्पण में अंतर है। काश हमारा भी समर्पण सत्य हो जाए तो आए उस सत्य समर्पण के लिए बार बार। कबीरदास जी कहते झूठ खेले सचमुच होए और सचमुच खेले बिरला को। सहावोगे जो, सहावोगे जो। सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए आनंद पीठाधीश्वर जी महाराज की। संसार में है क्या, विश्वास के सिवा कुछ भी नहीं है। बिन विश्वास भजन नहीं, तेही बिन द्रवे न राम, कृपा बिन सपन जीवन लग बिसरा। द्रौपदी पूर्ण समर्पित चल पड़ी, जैसे दरवाजे पर पहुंचते हैं भगवान ने विचार किया कि द्रौपदी पंजाब की है, वो पंजाब की जूतियां चर चर की आवाज, कहीं कोई आवाज से न पहचान जाए जूते की आहट से, तो कहीं मामला गड़बड़ न हो जाए, इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने द्रौपदी से कहा ये जूतियां यहीं खोल दो। जैसे द्रौपदी ने जूती खोली फिर भगवान को ध्यान में आया कि कहीं कोई बाहर से निकलेगा और कहीं द्रौपदी की जूती देख करके पहचान जाए कि ये यहां कैसे, तो कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, ये जो सिस्टम है ये कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए आज भगवान श्याम सुंदर ने अपने भक्त के कारज को संवारने के लिए
आज एक भक्त की जूतियों को उठा करके और भगवान ने अपने पीताम्बर में लपेट के कांख में दबा दिया। जीव यदि अपने ओछेपन विचारधारा का परित्याग कर दे तो परमात्मा को अपनी ईश्वरदाई को खूंटी में टांगने में देर नहीं लगे। आज भगवान श्याम सुंदर ने द्रौपदी की जूतियों को कांख में अंदर पहुंचे। द्रौपदी को सिखा रखा था कि पर्दे से बाहर ना निकले, पैर में हाथ रख देना, कुछ नहीं बोलना। जैसे भीष्म पितामह पूजा करके उठे, द्रौपदी ने पैरों में हाथ रख दिया तो प्लानिंग थी, भीष्म पितामह के मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती भव। बाहर निकले, द्रौपदी तू कैसे? द्रौपदी ने कहा, नाथ मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप ये बताइए कि आज की बात सत्य है या कल की बात सत्य। कल आपने संकल्प किया था, घोषणा की थी कि द्रौपदी को एक पांडव से विहीन करूंगा, और आज आप कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव। भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी आज की बात सत्य है, कल तो मैं युद्ध में रोष में आके घोषणा कर गया था, पर आज मैं अभी पूजा करके उठा। आज की बात सत्य है, हमारे महापुरुष माता पिता सदगुरु संत ब्राह्मण पूजा करके उठे उस समय प्रणाम करो, जो मांगोगे मिल जाएगा। भोजन करके उठे उस समय प्रणाम करो, जो मांगोगे मिल जाएगा। सो करके उठे उस समय प्रणाम करो, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। ये तीन स्थान ऐसे हैं, इसलिए तो हम कथा में जाते हैं। कथा हमें क्रम सिखाती है। आज संसार कथाओं से दूर हो रहा, भाग रहा है, इसलिए आज संसार में ज्यादा से ज्यादा भ्रम पैदा हो रहा है। इसलिए भ्रम को भगाना है तो संतों के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। होई विराग मोह भ्रम भागा, और विराग की बात कोई बैरागी ही कर सकता है। बैराग की चर्चा कोई बैरागी ही कर सकता है, जो रागी है वो बैराग की चर्चा नहीं कर सकता। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी आज की बात सत्य है, पर तू सच बता वो तेरा हिमायती कहां है, तुझे लेके आया वो हिमायती कहां है। इतने पर भगवान श्याम सुंदर भीष्म पितामह के उस अनुराग को देख करके भूल गए कि मेरे बगल में वो जूतियां दबी हुई हैं। हाथ जोड़ करके पितामह के चरणों में द्वारकीश का प्रणाम स्वीकार हो, और जूतियां नीचे धड़ाम दे गिरी। जैसे जूतियां गिरी, भीष्म पितामह ने कहा, वो आज मुझे पता चल गया तुम कौन हो। अभी तक तो हम सोचते थे द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश, नहीं नहीं नहीं, सुबह होते ही युद्ध के से पहले मैं घोषणा कर दूंगा मैदान में कि ये कोई द्वारिकाधीश ना है, ये तो बहुरूपिया है, बहुरूपिया, ये जनानियों की जूती उठा उठा के घूमता। भगवान ने कहा, पितामह प्लीज, ये और किसी के कान में नहीं पड़नी चाहिए। तो भीष्म पितामह ने कहा, नाथ यदि मुख बंद कराना है तो कुछ दो। भगवान ने कहा, पितामह आज मुझसे जो चाहो मांग लो, पर यह बात किसी से नहीं कहे। पुनः भीष्म पितामह के नेत्र भर आए, नाग तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हस्तिनापुर के रिश्तेदार हो, यह सामान्य बात है, तुम तो सारे संसार के रिश्तेदार, तुम सारे संसार के रिश्तेदार हो, इसलिए मुझसे वादा करो। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जा।
मेरा जब अंतिम महाप्रयाण हो आप वादा करो उस समय दर्शन देने के लिए आओगे। यदि आप वादा करोगे तो मैं किसी से नहीं कहूंगा, यदि आप वादा नहीं करोगे तो मैं कह दूंगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।